वो मुझे बहुत तंग करती थी, घर का सारा काम कराती थी और मारती पीटती भी थी। दो दो दिन रोटी नहीं देती थी और बासियाँ रोटियाँ देती थी। मुझे सब बकवास बकती रहती थी। मैं इस बहुत दुख से, कभी मुझे कहती है कि तेरी जीभ काट के, लत्तां बाँह काट के नहर में फेंक दूँगी, कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है। मेरे को बहुत दुखी करती है। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की, पुलिस वाले बल्कि रल गए हैं। जो कुछ था इन्होंने निकाल लिया। मेरा सोने के तापस थे, दो अंगूठियाँ थी, ये इन्होंने निकाल लिया। और सारे बेड भरे हुए थे सामान के साथ, कपड़े लत्ते चादर सब इन्होंने निकाल लिए। मेरे पास अब कुछ नहीं है। दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। जी हाँ, तरक्की के इस दौर में आपको दौड़ती भागती गाड़ियाँ तो सड़कों पे दिख जाएंगी, लेकिन लोगों के जहनों में क्या चल रहा है इस बात का अंदाज़ा जब आपको लगेगा तो शायद आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाए। जिस अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बुज़ुर्ग माताजी हैं जिनकी उम्र 70 से 72 साल बताई जा रही है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज में जिया और अपने 7 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। ये कुरुक्षेत्र में रहती थी। अभी 3 महीने पहले ही ये दिल्ली में इनकी एक बेटी इनको अपने घर लेकर आई, और वो भी तब जब ये बेहद बीमार थी। और इनके पति के ऊपर इनका बड़ा बेटा और इनके बाकी के 2 और बेटे, यानी कि उनके 3 बेटे इन पे जुल्म और सितम कर रहे थे। आखिर कैसी मजबूरी हो जाती है, ऐसा क्या हो जाता है जब औलाद के ऊपर माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। इस दौर के अंदर, इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर, जहाँ पर तमाम संस्थाएं, तमाम लोग और तमाम सोशल मीडिया माता पिता की सेवा का संदेश देते थकते नहीं हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आप देख रहे हैं। तो चलिए, क्या कुछ गुजरा है इनके ऊपर, क्या हुआ है, इनसे खुद ही इनकी दास्तां, इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। माता जी, आपका नाम? जोगिंदर कौर। जोगिंदर कौर जी, कहाँ रहते थे आप? हम कुरुक्षेत्र में रहते थे। क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं, पूरी दास्तान बताएं। मैं और मेरे पति हरबान सिंह कुरुक्षेत्र में रहते थे। अपने बेटे नरिंदर पाल सिंह और बहू हरजिंदर कौर के साथ रहते थे। बहू मुझे बहुत तंग करती थी, घर का सारा काम कराती थी और मारती पीटती भी थी। दो दो दिन रोटी नहीं देती थी और बासियाँ रोटियाँ देती थी। मुझे सब बकवास बकती रहती थी, गंद बकती थी, कहती तू यार रखे हुए हैं गौशाला में, तूने यार रखे हुए हैं। मैं कहा मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली तो यार मैंने कैसे रखे हैं। कहती तू जाके मिलन जाती है वहाँ पे तो अपने आदमी को पता नहीं क्या कह जाती है, तो वो फिर कुछ कहते नहीं है, बोलते नहीं है। मैं इस बहुत दुख से, कभी मुझे कहती है कि तेरी जीभ काट के, लत्तां बाँह काट के नहर में फेंक दूँगी, कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है। मेरे को बहुत दुखी करती है। मैं बहुत तंग होके किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैंने जब ये बहुत बीमार पड़ गए तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि तुम मुझे आके ले जाइए, मुझे बहुत तंग करती है, तो मुझे बहुत परेशान करती है, मैं क्या करूं। ये फिर आए सारे तो वो मुझे कुरुक्षेत्र से वहाँ यहाँ दिल्ली में ले आए। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही रह रही हूँ। मैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी बेटी के पास रहना चाहती हूँ। मतलब जी, अभी बताया भी गया था हमें, आपके नवासे ने बताया कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे हथियाने का काम आपके बस एक मकान ही है और कुछ नहीं हमारे पास। जो कुछ था इन्होंने निकाल लिया। मेरा सोने के तापस थे, 2 अंगूठियाँ थी, ये इन्होंने निकाल लिया। और सारे बेड भरे हुए थे सामान के साथ, कपड़े लत्ते चादर सब इन्होंने निकाल लिए। मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो जब कुरुक्षेत्र से कितना टाइम पहले आप आए यहाँ? यहाँ हम 2 महीने हो गए आए। तो जब आप आए थे आपके हस्बैंड भी साथ में थे? हाँ जी, वो भी साथ थे, वो बीमार थे। बस ये लड़की ले आई तो इन्होंने बहुत सेवा की, पर वो 15 दिन रहे, 15वें दिन पूरे हो गए। चलो, 1.5 महीना हो गया उनका एक्सपायर हो गया। हाँ जी। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं, क्या समाज को क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन ने कुछ आपकी मदद नहीं करी? पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की, पुलिस वाले बल्कि रल गए हैं। पुलिस वाला कहता कि हम तीन भाई हैं, एक तू, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। तो मैं हम प्रॉपर्टी भाई मकान बेच देंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, तीनों हिस्से का, एक तेरा एक मेरा एक भाई दूसरे भाई का। तो बहनों कुछ नहीं कर सकती है, उनका क्या हक है, बड़ा भाई बैठा हो। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? मनजीत सिंह। बाकी के जो बेटे हैं वो कुछ नहीं कहते, वो नहीं पूछते, नहीं वो भी नहीं कहते अपने छोटे भाई को मां के साथ क्या सलूक करना। ना वो नहीं कुछ कहते। आपको लेके जाते हैं अपने पास? ना, एक दो दफ़ा कहा था हमने, काम नहीं जानते हम तो यहाँ ही रहेंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? मनजीत सिंह। और उसके छोटे का नाम? गुरदीप सिंह। और सबसे छोटे का नाम? नरिंदर पाल सिंह, इसके पास हम रहते हैं। देखिए, हम ये आपको तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं तीनों बेटों की, बहुत मजबूरी के साथ हमें ये तीनों फोटोएँ दिखानी पड़ रही हैं। ये इनके नालायक बेटे हैं, नालायक बेटे वो कि इस उम्र में जो अपनी माँ को छोड़ दें, वो अपनी माँ का साथ ना दें, अपनी माँ के लिए दो वक्त की रोटी अगर उनके घर में नहीं है तो ऐसे बेटों को नालायक कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको चेताना चाहते हैं और इन लोगों के असली चेहरे दिखाना चाहते हैं। देखिए इन बुज़ुर्ग माता जी की शक्ल, जो आज उम्र की इस पड़ाव में अपनी बेटी के घर में रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या इसी वक्त के लिए कोई भी इंसान अपने बच्चे पैदा करता है, उन्हें पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, कि आखिर उम्र के एक दौर के अंदर जब उसे बेहद ज़रूरी होता है अपने बच्चों का साथ, अपने बच्चों की हमदर्दी और अपने बच्चों का साया उसको चाहिए होता है, उस वक्त वो उसे ऐसे में दरकिनार करके तिल तिल मरने को छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, जय हिंद, जय भारत।